आगरा न्यूज। दीपोत्सव त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन सख्त। दीपावली त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन जहां सुरक्षा इंतजाम के साथ पटाखा की दुकानें लगवाने के लिए कल लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था लागू कर रहा है, वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ आज से अभियान की शुरुआत। दीपावली और भैया दूज अभियान के लिए जनपद में 7 टीमें बनाई गई हैं। किसी भी कीमत पर मिलावट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और टीमें कैसे कैसे चेकिंग करेंगे, क्या माना है, मतलब किस प्रकार से चेकिंग मिलावट? देखिए, बेसिकली जो इस समय जो मिलावट होती है वो खोए में और दूध से बनी मिठाइयों में ज़्यादा होती है, तो विभाग का भी फोकस उन्हीं पदार्थों पर है, विशेष करके जो बाहर से पदार्थ आ रहे हैं अन्य स्टेटों से, क्योंकि हम बॉर्डर पे हैं तो वहाँ बाहर से बहुत सारे दुग्ध से बने पदार्थ आते हैं, इन पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। और विभाग का फोकस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों पे ही है, क्योंकि हम उत्पादन पे ही कार्रवाई करना उद्देश्य बना के रखे हैं। पटाखे दुकानें लगनी, कितनी दुकानें लगनी, किस प्रकार के इंतजाम किए जाएंगे और सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? दीपावली पर आगरा शहर में कुल 9 स्थलों पे 207 दुकानें लगाई जाएंगी। इन दुकानों के लिए 18 तारीख को लॉटरी सिस्टम से दुकानें आवंटित की जानी हैं। सभा कक्ष जो कलेक्ट्रेट का है वहाँ पे प्रातः 10 बजे से लॉटरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन्हें दुकानें मिलेंगी वो 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पटाखों का विक्रय करेंगे। जो मानक है उसका उन्हें पालन करना होगा। 3 की दुकानें बनेंगी, सबकी साइज़ फिक्स है, सबके लिए निर्देश है कि सभी बाल्टी रखेंगे, बालू रखेंगे, पानी रखेंगे, अग्निशमन यंत्र रखेंगे, और इसके लिए फायर डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी लिखा गया है कि वो इंश्योर कराएंगे कहीं भी इसका वायलेशन ना हो।